भाई मेरे स्कॉलरशिप फॉर्म में कोर्स टाइप गलत हो गया, कैसे ठीक होगा? भाई मेरा आधार सीडर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं था तो कॉलेज वालों ने वापस भेज दिया, तो अब मैं क्या करूं भाई, प्लीज रिप्लाई। भाई मैंने कॉलेज रोल नंबर की जगह यूनिवर्सिटी रोल नंबर डाल दिया और यूनिवर्सिटी रोल नंबर की जगह कॉलेज नंबर डाल दिया, प्लीज हेल्प मी भाई प्लीज। स्कॉलरशिप कब आ रही है भाई? हेड ऑफिस वालों ने अप्रूव भी कर दिया है। ये सारे सवाल मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछे गए सवाल हैं, तो सारे सवालों के जवाब मैं इसी वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को करके मत देखना वरना तुम्हारा ही नुकसान हो जाएगा। अगर स्कॉलरशिप लेनी है, कोई गलती नहीं करनी है, तो ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मत करना, सब्सक्राइबर मत करना। सवालों के जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हर छात्रवृत्ति की एक न्यू अपडेट सामने आई है। भाई जिन छात्रों ने अभी तक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं किया था या फिर किसी कारणवश छूट गया था, उन छात्रों के लिए आखिरी मौका। हर छात्रवृत्ति के न्यू रजिस्ट्रेशन रीओपन कर दिए गए हैं। अब उनकी लास्ट डेट जो होने वाली है 2 मई 2024 होने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूंगा, सबसे पहले आप अप्लाई करने से पहले अपनी फैमिली आईडी को अपलोड कर लीजिए। अगर उस फैमिली आईडी में कोई भी करेक्शन है, सबसे पहले उसको ठीक कीजिए। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी गलतियाँ हैं फैमिली आईडी में, सबसे पहले उसको ठीक कराए, उसके बाद ही आप हर छात्रवृत्ति के फॉर्म को रजिस्ट्रेशन भरने की अप्लाई करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर फैमिली आईडी में कुछ गलतियां हैं तो सेम वही गलती आपके फॉर्म में नजर आएगी, फिर आपको स्कॉलरशिप का 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। फैमिली आईडी के बाद जो दूसरा बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार सीडर डॉक्यूमेंट, जिसकी वजह से आपकी स्कॉलरशिप आने में बहुत ही लेट हो जाती है। तो क्या चीज़ है ये, कैसे अप्लाई करना है, देखिए आपके बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराना ही आधार सीडर डॉक्यूमेंट बोला जाता है। तो ये कैसे अप्लाई करना हुआ, आप अपने बैंक में जाए और उनके किसी अधिकारी से बोलो कि सर जी हमें आधार सीडर डॉक्यूमेंट चाहिए। आप उनको ये मत बोलो कि लिंक करा दो, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। वही डॉक्यूमेंट आपके हाथ में आ जाए तो CSC सेंटर में जाए और जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो बाकी डॉक्यूमेंट के साथ साथ आपका ये आधार सीडर डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया जाता है। ये प्रूफ हो जाता है कि आपने अनेबल कर लिया है। तीसरा और खास डॉक्यूमेंट है वो है आपका इनकम सर्टिफिकेट। ये 2 तरह के बनते हैं, लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको एजुकेशन पर्पस के लिए अप्लाई करना चाहिए, जो कि 3 दिन में बन के तैयार हो जाता है। लेकिन उसके अप्लाई करने के लिए भी आपको फैमिली आईडी की आवश्यकता पड़ने वाली है। बाकी जो डॉक्यूमेंट है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं और आपके पास होंगे भी जरूर, जैसे कि आपकी फोटो, साइन, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, डोमेशियल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह। ऑनलाइन एप्लीकेशंस सबमिट हो जाने के बाद CSC सेंटर वाले आपको एक प्रिंट आउट निकाल के देंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे उनकी आप फोटोकॉपी कर ले और मेन फॉर्म के साथ, जो कि फॉर्म भरते वक्त आपने प्रिंट आउट लिया था, उसको अटैच करके और ले जाइए कॉलेज के उस सर जी को दे जो कि स्कॉलरशिप हैंडल करता है। हर छात्रवृत्ति की ऑफिशियली वेबसाइट पे जाकर आप स्कॉलरशिप का लेवल स्टेटस चेक भी कर सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप कौन से लेवल तक पहुंचे हैं। लेवल होते हैं भाई इसके 1, 2, 3, 4, लास्ट में जो होता है वो आपका डिस्ट्रीब्यूट योर पेमेंट, आपकी पेमेंट का लेवल होता है, जो कि मैक्सिमम लग जाते हैं आपके 1-7 महीने तो लग ही जाते हैं आपकी स्कॉलरशिप आने में। और जिसकी फॉर्म में कुछ गलतियां हैं तो उसकी तो आती ही नहीं है, फिर उसको बहुत वेट करना पड़ता है स्कॉलरशिप आने में। अब बात करते हैं आपके सवालों का। देखिए आपके कोई भी गलतियां हैं, कुछ भी गलतियां हैं, देखो आपका करेक्शंस के लिए एक मैसेज आया हुआ जरूर आएगा, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे आता है। अगर नहीं आया है, आपने अपने ध्यान नहीं दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे
तो आप स्टेटस चेक करेंगे तो वहां एक सैंड बैग का ऐसा तीर सा आएगा भाई, ऐसा सैंड बैग। इसका मतलब है कि दोबारा से आप करो, यानी कि जब आपको इस तरह की स्थिति मिल जाए, आपका स्टेटस में इस तरह का सैंड बैग आ जाता है, तो आप CSC सेंटर में जाए, उनको बोलो भैया ये गलतियां हो गई हैं, हमने इसको अपडेट करना है, हमने इसको सही करना है, चेक करना। देखिए आप बार बार गलतियां करके आपको ठीक नहीं करा सकते, ये गलत काम हो जाएगा, आपका फॉर्म भी करप्ट हो सकता है और आप स्कॉलरशिप्स के वंचित भी रह जाएंगे। तो भाई एक ही बार चेक कर लो अपने क्या क्या गलतियां हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सारे के सारे देख लो अपने फॉर्म में कुछ गलतियां तो नहीं है। दूसरा सवाल भाई साहब, ये जो सवाल है ना मोस्टली सबको कंफ्यूज करता है, बहुत ही कंफ्यूज करता है, यहाँ तक कि CNC सेंटर वाले भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार क्या भरे। यूनिवर्सिटी रोल नंबर में वो डाल देते हैं, कॉलेज रोल नंबर तो जो सरासर गलत है। देखिए मैं बताता हूँ कि यूनिवर्सिटी जो रोल नंबर होता है और कॉलेज रोल नंबर ये अलग अलग होता है। कॉलेज रोल नंबर से आपसे नाम से ही पता चल रहा है यार कॉलेज का रोल नंबर होगा जो कि होता है आई कार्ड में देख लेते हैं आपको। यूनिवर्सिटी नंबर होता है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा भाई, देखो आपने कभी एग्जाम दिए होंगे तो लेफ्ट या राइट में देख लेना रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो डालना होता है, कॉलेज रोल नंबर नहीं डाला। गलतियाँ होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सैंड बैग आएगा आपके पास, अगर नहीं आया है तो आप चेक कर लो वहाँ पे, और आपने अगर सैंड बैग आना बहुत ज़रूरी है आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे आएगा। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सेंड बैक आ जाएगा तो आप CSE सेंटर में जाए और वहां अपडेट करा ले, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और फिर भी कुछ आपको परेशानी है तो भाई आप उस सर जी के पास जाइए जो कि स्कॉलरशिप हैंडल करते हैं, वो बेहतर बताएंगे आपको, ठीक है। और एक और बात मैं बता दूँ कि ये जो कॉलेज रोल नंबर है ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और रजिस्ट्रेशन RN नंबर भी वही है, वही चीज़ है, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और कोई भी परेशानी है आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे एक फ़ोन नंबर होगा, फ़ोन नंबर नहीं मिल रहा है तो आप ईमेल कीजिए, फीडबैक दीजिए, और फिर भी कुछ नहीं आ रहा तो भाई से बात कर लीजिए। ये जो सवाल है भाई हर किसी की जुबान पे रहता है, अब स्कॉलरशिप कब आएगी, जिसको देखे ऑनलाइन फॉर्म भरते ही साथ यूँ लगी रहती है, खाज लगी रहती है उनको, कब आएगी यार, कब आएगी, कब आएगी, क्योंकि भाई स्कॉलरशिप पे ही डिपेंड है आपकी एजुकेशन, क्योंकि आपको जमा भी करानी होती है। लेकिन इसका जवाब भाई क्या है मैं बता सकता हूँ, देखिए इसके रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आई है, या हो सकता है कि आपने आधार सीधा डॉक्यूमेंट ना लगाया हो, क्योंकि भाई आधार सीधा डॉक्यूमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, आपकी स्कॉलरशिप आने में मदद करता है। अगर नहीं आया तो दोबारा से इसमें डिले होने में चांसेस रखते हैं, क्योंकि आप फिर से डॉक्यूमेंट डालोगे, करेक्शन में डालोगे, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, फिर ये पंगे रहेंगे, फिर जितना भी लेट आपकी होगी ना उतना ही लेट आपकी स्कॉलरशिप मिलेगी। या फिर हो सकता है कि आपके सब कुछ ठीक ठाक है लेकिन फिर भी नहीं आ रही है, वो इसका वजह ये हो सकता है कि सरकार के पास फंड नहीं है। पीछे न्यूज़ देखी थी मैंने कि सरकारी फंड ख़त्म हो गया था, लेकिन देखो कई कारण हो सकते हैं कि हो सकता है कि भाई आपके कॉलेज वालों ने अप्रूव कर दिया हो, सब कुछ अप्रूव हो गया हो, लेकिन एक अधिकारी ऐसा है डिपार्टमेंट के पास आपका फॉर्म पहुँच गया है, लेकिन वहाँ उसको नज़र आ गया कि भाई फॉर्म में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो रही है, कुछ गड़बड़ सी है, तो भी आपकी नहीं आ सकती है। तो कई कारण हो सकते हैं, मैक्सिमम मतलब देखा गया है जो कि आपकी कम से कम आपके 8-10 महीने लग जाते हैं आपकी स्कॉलरशिप आने में। जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुँच जाते हो तभी आपके आने के चांसेस होते हैं, आती रहेगी। इसकी आप एग्जैक्ट मैं डेट बता नहीं सकता, क्योंकि भाई सरकारी फंड है, कभी लेट है मिल जाती है, कभी जल्दी मिल जाती है। अब सुविधा इतनी अच्छी हो गई, अब तो ऑनलाइन आप सीधे आपके अकाउंट में आ जाते हैं पैसे, तो सुविधा जल्दी से हो गए हैं, डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, सरकारी मामला है, थोड़ा सा देर हो जाता है। तो ये बहुत कॉमन जो सवाल है, ये स्कॉलरशिप कब आएगी भाई, एग्जैक्ट मैं भी नहीं बता सकता कि आप ऑफिशियली वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें एग्जैक्ट टाइम लिखा रहे होगा डेट के, इस महीने में तो आती आती है, अगस्त सितंबर में अप्रैल में कुछ ऐसे से बताएंगे,
लेकिन उसका पक्का आप विश्वास मत कीजिए, ऐसे ही दिखाने के लिए है ये। आगे पीछे ये स्कॉलरशिप यही भेजते हैं, पहले सेंटर का आएगा और फिर आपका स्टेट लेवल पे आएगा। दो तरह के आते हैं, एससी और बीसी वाले भी ये। और कितनी स्कॉलरशिप आती है ये डिपेंड करता है आपके कोर्स कौन सा है। आपने जाते जैसे कि आपका कोर्स महंगा है, लाखों में है, तो जाहिर सी बात है आपको लाखों में ही स्कॉलरशिप मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी तो आपको लगेगी, नहीं होगी तो लाइक आप करोगे नहीं, मत करना, सब्सक्राइब भी मत करना है। इट्स ओके।